हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शमसुल और जानकारी पर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का CSP सेंटर ले सकते हैं। अगर आप एक बेरोजगार युवक हैं या फिर आपकी छोटी मोटी कोई भी शॉप है, जैसे कि किराना की शॉप है या फिर मेडिकल स्टोर है, तो भी आप लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का CSP ले सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का CSP लेने के बाद आप लोग अपनी ही शॉप पर किसी भी कस्टमर का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग उसके अकाउंट का मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं और साथ ही उसके आधार कार्ड से पैसों का भी लेन देन कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का CSP सेंटर लेने के लिए आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए, आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी और कौन कौन लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का CSP सेंटर ले सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का CSP सेंटर लेने के लिए एक भी रुपया पे करना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फ्री में आप लोग ये CSP सेंटर ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसका CSP सेंटर लेने के लिए आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए। सबसे पहले आपका एक पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, इसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और इसके बाद आपके पास पैन कार्ड भी होना चाहिए। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो भी आप लोग CSP सेंटर ले सकते हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्म अलग से फिल करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा कि किस तरह से आपको उस फॉर्म को फिल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। इसके बाद आपको नीचे के साइड में आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का CSP सेंटर लेने के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। अभी यहाँ पर आपको सभी इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में देखने को मिल रही होगी, लेकिन अगर आप इसे हिंदी में रीड करना चाहते हैं तो आपको ऊपर की साइड में 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे की साइड में आना है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ट्रांसलेट, तो ट्रांसलेट वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये सभी जानकारी हिंदी में रीड करने के लिए मिल जाएगी। अब आप लोग इसे हिंदी में पढ़ सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले व्यक्ति सेनावृत्ति बैंक कर्मचारी अप्लाई कर सकते हैं और इसी के साथ पूर्व सैनिक भी अप्लाई कर सकते हैं। किराना स्टोर, मेडिकल स्टोर, उचित मूल्य की दुकानें आदि का व्यक्तिगत मालिक भी अप्लाई कर सकता है। भारत सरकार द्वारा बीमा कंपनियों की योजनाओं का जो एजेंट होता है वो भी अप्लाई कर सकता है। व्यक्तिगत पेट्रोल पंप का मालिक अप्लाई कर सकता है। कॉमन सर्विस सेंटर संचालक यानी कि जिसके पास CSC ID है वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। और दोस्तों, इसके अलावा भी आपकी कोई भी छोटी मोटी शॉप है तो भी आप लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का CSP सेंटर लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले एक फॉर्म को डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके लिए आपको यहाँ पर एक बार क्लिक करना पड़ेगा। आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन में या फिर लैपटॉप में ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। ये फॉर्म आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, तो मैं अब बता देता हूँ कि इस फॉर्म को आपको किस तरह से बिना गलती के फिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर कैंडिडेट का एक फ़ोटो लगा देना है और इसके बाद आपको फ़ोटो पर सिग्नेचर भी करने हैं, यानी कि आपको सिग्नेचर कुछ इस तरह से करने हैं। आधा सिग्नेचर आपको फ़ोटो के नीचे करना है और आधा फ़ोटो पर ही करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको न्यू वाले ऑप्शन पर टिक लगा देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जिसके भी नाम से आप लोग CSP सेंटर लेना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे। अगर आप लोग स्पेस देना चाहते हैं तो आपको बीच में एक बॉक्स छोड़ देना है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर लास्ट नेम लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है। एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है, डिस्ट्रिक्ट फिल करनी है, स्टेट का नाम फिल करना है और अगर आपके पास कोई भी अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर देना है। अगर दोस्तों आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर पैन कार्ड नहीं है तो आपको यहाँ पर एक फॉर्म दिया गया है, फॉर्म 16, आपको इस फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। इसके बाद आपके पास ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, नहीं है तो इसे छोड़ सकते हैं। अब आपको यहाँ पर लेटीट्यूड और लैंगटीट्यूड फिल करना पड़ेगा, जिससे कि दोस्तों आपकी लोकेशन का पता लगाया जा सके कि आप कौन सी लोकेशन पर CSP सेंटर को ओपन करना चाहते हैं। दोस्तों, लेटीट्यूड और लॉन्गटीट्यूड को फिल करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर अपना प्लेस एंटर कर देना है, आप जहाँ पर भी CSP सेंटर को ओपन करना चाहते हैं। इसके बाद आपको फिंड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही फिल करेंगे इसके बाद आपको नीचे के साइड में एक मैप देखने को मिल जाएगा। इसमें दोस्तों आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, आपका CSP जिस भी लोकेशन पर हो आपको इस पॉइंट को उसी लोकेशन पर उठा करके रख देना है।
और इसके बाद आपको दोबारा से ऊपर की साइड में आना है, तो यहाँ पर आपको आपका करेक्ट लेटीट्यूड देखने को मिलेगा और यहाँ पर लोंगटीट्यूड देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको लेटीट्यूड यहाँ पर फिल कर देना है, लोंगटीट्यूड यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने फादर का फर्स्ट नेम, यहाँ पर मिडल नेम और यहाँ पर लास्ट नेम लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको मदर का मिडल नेम लिखना है। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जेंडर यहाँ से सिलेक्ट करना है। इसके बाद नेशनलिटी यहाँ पर आपको इंडियन सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर आपको इंडिया लिख देना है। इसके बाद आपको एक आईडी प्रूफ देना होगा, आपके सामने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, आप जो भी देना चाहते हैं इनमें से दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक एड्रेस प्रूफ देना होगा, इनमें से आप लोग चाहें तो आधार कार्ड भी दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको बैंक डिटेल को फिल करना होगा। सबसे पहले आपको ब्रांच का नाम फिल करना है, इसके बाद आईएफएससी कोड, इसके बाद अकाउंट नेम, यहाँ पर अकाउंट टाइप सेविंग है या फिर करेंट है उस पर आपको टिक लगा देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर फिल कर देना है। उसके बाद आपको बिजनेस करस्पोंडेंट डिक्लेरेशन देना होगा। इसके लिए सबसे पहले आप जिस भी दिन इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं उस दिन की डेट यहाँ पर फिल करनी है। इसके बाद प्लेस, आप कौन से स्थान से फॉर्म को फिल कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर कर देना है और आपके पास अगर आपके शॉप की कोई भी स्टाम्प है तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको इस फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। इसमें आपको सबसे पहले अपना नाम फिल करना है, फादर का नाम, एड्रेस, पिन कोड और यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसे फिल करना है। और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सिग्नेचर कर देने हैं। और अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आपको ये फॉर्म फिल करना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ यहाँ पर अपना पैन नंबर एंटर कर देना है। इसके बाद आपको ये अच्छी तरह से फॉर्म को चेक कर लेना है। इसके बाद नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देखने को मिल जाएगी कि आप आईडी प्रूफ के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं और एड्रेस प्रूफ के लिए आपने कौन सा डॉक्यूमेंट्स दिया है, तो इनमें से आपको उसे टिक कर देना है। तो दोस्तों आपको इस फॉर्म को अच्छी तरह से फिल करने के बाद आपको एक ये फॉर्म और इसके साथ आपने जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दिए हैं जैसे कि आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की आपकी जो भी नज़दीकी ब्रांच है आपको उसमें जमा करना पड़ेगा। आपको सर्च किस प्रकार से करना है कि आपकी नज़दीकी ब्रांच कौन सी है और उसका एड्रेस क्या है, इसके लिए आपको दोबारा से आ जाना होगा इसी पेज पर। इसके बाद नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, मंडल और शाखाएँ, इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे के साइड में आपको आना है और यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिलेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आप जिस भी राज्य में रहते हैं अपना राज्य सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपके राज्य में जितनी भी इसकी ब्रांचेस होंगी वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अभी 73 ब्रांचेस हैं तो सभी की लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब आपकी जो भी नज़दीकी ब्रांच लगती हो वो आपको यहाँ पर देख लेना है। इसके बाद यहाँ पर सभी जिलों की अलग अलग ब्रांचेस हैं, जिला का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इनमें से अपना जिला देख लेना है। इसके बाद आपके जिला में जो भी ब्रांच हो उसका एड्रेस आपको यहाँ पर देख लेना है, इस एड्रेस को आपको नोट कर लेना है। यहाँ पर आपको उस ब्रांच की ईमेल आईडी भी देखने को मिल जाएगी, तो आपको इसी एड्रेस पर विजिट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको उस फॉर्म को और उसके साथ में आपने जो भी एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ दिया है उन सभी डॉक्यूमेंट्स को इस ब्रांच में आपको जमा करना पड़ेगा। इसके बाद जब आपको अप्रूवल मिल जाएगा इसके बाद आप लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का CSP सेंटर ओपन कर सकते हैं। सो आई होप पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी, बट इसके अलावा भी आपके मन में कोई भी सवाल या कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि वो लोग भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का CSP सेंटर ले सकें।